हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत थार नगरी बाड़मेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर कई मुद्दों पर साधा निशाना। कांग्रेस मुक्त की बातें करने वाले खुद हो जाएंगे मुक्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की सरकार आने के बाद ही जो माहौल बना है, ऐसे में मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को देशवासियों से अपील करनी चाहिए कि जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी यूपी में जैसा हुआ बुलडोजर चुनाव चिन्ह बन गया है, वहाँ पर फेक एनकाउंटर हुए और उसको भी बहुत बड़ा बता दिया कि मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन ले लिया है। उन्होंने कहा कि फेक एनकाउंटर करना बहुत आसान काम है, पर कानून का राज स्थापित रहे तभी तो देश चलेगा और न्याय मिलेगा। फेक एनकाउंटर के नाम पर तो कभी निर्दोष की जान भी जा सकती है, इसीलिए कानून कहता है कि कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे कानून के हिसाब से सजा मिले। उन्होंने कहा कि कल से मुझे चिंता हो रही है, जब से करौली का सुना है इस मामले को लेकर मैंने आज सुबह ही डीजी से बात की है। मैंने कहा कि जिन्होंने भी यह हरकत की है और दंग भड़काने के पीछे कौन सी ताकतें थी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चाहे वह किसी भी जाति धर्म हो, उन्हें ये मैसेज जाना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा। उन्होंने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के चलते पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि को रोक रखा था, वही जैसे ही चुनाव पूरे हुए उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और विपक्ष हो चाहे कार्यकर्ता, सबकी बातों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और उन बातों में लगता हूँ। दम है तो उन्हें पब्लिक हित में लागू करवाऊँ, पर आज क्या हो रहा है, मोदी जी अमित शाह जी ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे कोई दुश्मन है। कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं। कांग्रेस कभी भारत से मुक्त होने वाली नहीं है। अगले 100 साल भी जो मुक्त करने की बातें करते हैं वो खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपके और हमारे देखते हुए जाएंगे, क्योंकि उनका रास्ता सही रास्ता नहीं है। उनका रास्ता कथनी और करनी में अंतर वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी को लेकर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि जब भाजपा की सरकार थी तब 5 साल तक रिफाइनरी का काम बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी जो 37,000 करोड़ की थी वो 40,000 करोड़ की हुई और आज 74,000 करोड़ की रिफाइनरी बन रही है। यह बात जनता के दिमाग में आनी चाहिए, लेकिन जनता बोली वाली नहीं है जो इन बातों पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का काम समय पर होता तो 37,000 करोड़ की होती या 40,000 करोड़ की हो जाती, लेकिन आज 74 करोड़ के रुपए में बन गई है। यह सारा पैसा जनता का है। उन्होंने कहा पानी, बिजली और तेल हमारा और 26% भागीदारी ही क्यों है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन्होंने ये कहा, जो माहौल एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद में माहौल सरचार बन गया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी खुद को अपील करनी चाहिए देशवासियों को कि ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर प्रश्न पैदा करके राजनीति करते हैं। जैसे अभी यूपी चुनाव में किया गया बुलडोजर, चुनाव चिन्ह बन गया बुलडोजर, फेक एनकाउंटर हुए वहाँ पर, उसको भी बता दिया गया जैसे बहुत बड़ा वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया हो। फेक एनकाउंटर करना तो बहुत आसान काम है, पर कानून का राज स्थापित रहे तभी तो देश चलेगा, न्याय मिलेगा। फेक एनकाउंटर के नाम पे तो कभी निर्दोष लोग मर सकते हैं, इसलिए कानून कहता है कि चाहे वो कितने बड़ा क्रिमिनल है तो पूरा प्रोसेस करो और उसको चाहे फांसी दिलाओ, चाहे उसको आजीवन कारावास दिलाओ, चाहे सजा दिलाओ। ये कानून का राज है, कानून का राज स्थापित रहेगा तब जाकर देश चलेगा, उस रूप में चलेगा। तो आज तो मुझे चिंता करने लगी हुई जब से मैंने सुना है कि करौली के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है। मैंने अभी सुबह अभी बात की डीजी से, उनको मैंने कहा कि जिन्होंने हरकत करी है, जिन्होंने ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन कोई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो।
चाहे कोई कौम हो कोई धर्म के लोग हो, उनमें मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा, ये मेरा मानना है। सर इतना बड़ा धोखा देश के साथ कभी हो नहीं सकता। पूरा देश कह रहा था कि 5 चुनाव तक रोक लगाई हुई है कि पेट्रोल डीजल दाम नहीं बढ़ने चाहिए, रोक लगाई हुई है जिससे कि उनको नुकसान नहीं हो, और चुनाव खत्म होते ही ये प्राइस बढ़ेंगे और वो ही देश देख रहा है। तो देशवासियों को समझ आना ही चाहिए कि इनका गवर्नेंस करने का तरीका क्या है। क्या आप चुनाव में लाभ उठाने के लिए तो आप रोक लगा दो और बाद में आप एक साथ में प्राइस बढ़ाना शुरू कर दो, 10 दिन से पड़ रही प्राइस करीब करीब। तो ये जो तरीका है ये कोई गवर्नेंस का तरीका नहीं होता। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।